6 साल पहले कोटखाई शिमला से लापता हुए नेपाल के शिवम को उसके परिजनों से मिलवा दिया गया है। 15 फरवरी 2015 को हरियाणा में पुलिस स्टेशन जीआरपी जगाधरी के तहत युवक लावारिस मिला था। उसके बाद इसे चिल्ड्रन होम छछरौली यमुनानगर में रखा गया था। अब परिजनों का पता चलने के बाद यमुनानगर CWC के आदेश से बच्चे को सुरक्षित हिमाचल प्रदेश के सोलन में जाकर पिता और जीजा के सुपुर्द किया गया। टीम में ASI राजेश कुमार, SC भूपेंद्र सिंह, काउंसलर मायाराम, अकाउंटेंट योगेंद्र सिंह शामिल थे। कोटखाई शिमला से लापता हुए नेपाल के शिवम को उसके परिजनों से मिलाया गया है। जानकारी के अनुसार स्टेट क्राइम ब्रांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल पंचकुला में तैनात ASI राजेश कुमार को चिल्ड्रन होम छछरौली यमुनानगर के काउंसलर मायाराम ने बताया कि उनके पास एक बच्चा काल्पनिक नाम शिवम और आयु 18 वर्ष, पिता का नाम लक्ष्मण, वासी तुलसीपुर नेपाल, DD नंबर 15, 15 फरवरी 2015 को हरियाणा में पुलिस स्टेशन GRP जगाधरी द्वारा लावारिस मिला था। उस समय बच्चा जब मिला था तो उसकी उम्र 12 साल थी। ये बच्चा सिर्फ अपने पिता का नाम और गांव का नाम बता पा रहा था। ASI राजेश कुमार ने बच्चे से सभी डिटेल प्राप्त कर बच्चे की वीडियो और फोटो बनाई। इसके बाद ASI राजेश कुमार ने NGO नेपाल एंड दिल्ली रेस्क्यू ऑफिसर नवीन जोशी से संपर्क कर उन्हें बच्चे की सभी डिटेल वीडियो भेजी, जिसके बाद नेपाल के न्यूज चैनल पर इसे चलाया गया। नेपाल में जब TV चैनल पर चलाया गया तो गुमशुदा लड़के शिवम के जीजा ने इस फोटो और वीडियो को देखा, जिसके बाद उन्होंने शिवम को पहचान लिया। वहीं उसके बाद पिता लक्ष्मण का नंबर लेकर बेटे शिवम की वीडियो कॉलिंग करवाई गई। वीडियो कॉलिंग में पिता ने अपने बेटे को पहचाना और गुमशुदा बेटे शिवम ने अपने पिता को पहचाना, साथ ही उसने अपनी बहन को भी पहचाना। गुमशुदा लड़के शिवम ने अपने पिता से कहा कि वे 10वीं की कक्षा पास करने के बाद अपने पिता के पास वापस आएंगे। आपका बच्चा कब से गुम था जी? 8 साल जी। 8 साल से गुम हो गया था जी। फिर राजेश भाई ने हमारे को मिला, फिर लड़का मिल गया, बढ़िया हो गया। राजेश जी ने हमारा शिवम को जो है ढूंढ के यहाँ सोलान तक पहुँचा दिया। इसके लिए राजेश सर को सलूट, और राजेश सर जैसे आदमी हर स्टेट में होने चाहिए, हर जिले में होने चाहिए, तो हम बहुत खुश हैं। धन्यवाद। अब यमुनानगर CWC के आदेश से बच्चे को सुरक्षित सोलन हिमाचल प्रदेश में पिता और जीजा के सुपुर्द किया गया। टीम में ASI राजेश कुमार, HC भूपेंद्र सिंह, काउंसलर मायाराम, अकाउंटेंट योगेंद्र सिंह शामिल थे। मेरा नाम ASI राजेश कुमार है, स्टेट क्राइम ब्रांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल पंचकुला से। इस बच्चे की सूचना मेरे को जून 2020 में मायाराम द्वारा छछरौली से मिली थी कि ये बच्चा हमारे पास है, आप इसका परिवार तलाश करो। तो इस बच्चे से मैंने काउंसलिंग की। काउंसलिंग में सामने आया कि ये बच्चा है जो नेपाल से है मूल रूप से। फिर वहाँ की एक मैंने इसकी वीडियो बनाई और इसके वहाँ पे के नवीन जोशी है KI नेपाल, वहाँ पे भेजी। वहाँ के सभी मीडिया चैनल पे इसकी वायरल की फोटो और वीडियो। उसके आधार पर हमें पता लगा कि भाई इसके जो पापा जी हैं वो शिमला में कोटखाई रहते हैं। तो वहाँ पे वीडियो भेजने के बाद फिर इसका आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने को वीडियो कॉलिंग कराएगी और उन्हें पहचान लिया। उन्होंने बताया कि हमारा बच्चा 6-7 साल से गुम था और कहाँ पे मिला, यमुनानगर में आपका बच्चा। तो उस टाइम ये 10वीं क्लास में पढ़ रहा था और पढ़ाई करने के बाद इसके पेपर हो गए और पास हो गया। आज इसके परिवार के सबूत किया गया है, ये बच्चा जो है 6-7 साल से मिसिंग था। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।